हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्रिएशन ब्लॉग्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम बाहर हैं और बाहर हम लेने आए हैं कड़ी पत्ता, क्योंकि आज खाने का मन है सबका पोहा। तो ये हुआ कि पोहा बनाते हैं हम। तो चलिए, कड़ी पत्ता तो मैंने तोड़ लिया यहाँ से। इसका बड़ा पेड़ है दूसरे तरफ है, तो हम यहीं से तोड़ लिए। तो अब चलते हैं, बनाते हैं पोहा। यहाँ पोहा पहले से धो के रख लिए हैं। चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं पोहे की, पोहा बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्याज काटेंगे, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया काट के रखेंगे, ताकि हमारा जल्दी से सारी तैयारी हो जाए, तो फिर फटाफट से पोहा बने। और अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं या आमचूर भी डाल सकते हैं। अगर टमाटर है तो आप ये दोनों चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो फ्लेवर होता है थोड़ा सा खट्टेपन का, वो पोहे में बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। देखिए, यहाँ मेरी पोहे की सारी तैयारी हो चुकी है, कढ़ाई चढ़ा चुकी है। तो जब तक आप ये देख रहे हैं कि पोहा हम कैसे बना रहे हैं, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो जब तक पोहा बनाते हैं तब तक आप ये कर दीजिए। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और राई को हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। बनवा चुके हैं, पोहा खाओगे? नहीं बनेगा, मैगी बच्चे मैगी के अलावा और कुछ नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन इनको मैगी नहीं देना है। मैगी जितना हो सके आप भी अपने बच्चों को मैगी जंक फूड से दूर रखिए, जितना हो सके अपने बच्चों को घर की चीज़ें खिलाइए, नहीं तो ये बच्चे बीमार पड़ जाएंगे जल्दी। अगर अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, किसी भी रोग से दूर रखना है, उनको चाहिए कि आप एकदम हेल्दी रखो, तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखिए। ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल मत दीजिए, दीजिए, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, मतलब एक टाइम टेबल बना दीजिए कि इन जंक फूड कोई भी हो इतने दिन पे ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। इधर गन्नू के बर्थडे पे, मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे कुछ कुछ हो चुका है, तो अब गन्नू भी आया है मैगी के लिए, तो एकदम साफ मना हो चुका है कि मैगी नहीं बनेगी, पोहा बन रहा है पापा, तो वो चले गए हैं। यहाँ हमारा तड़का अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम हल्दी और नमक डाल के थोड़ी देर और भून लेंगे, मैक्सिमम 30 सेकेंड। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पोहा। पोहा डाल के इसे अच्छी तरह से चला के थोड़ी देर इसे भी अच्छे से पूरा, इसमें जैसे कि इसका जो तड़का है वो हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, तब तक हम इसे चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम धनिया पत्ती और मूँगफली वो डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास आमचूर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी, नींबू का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें नींबू डाल के इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हमारा पोहा हो जाएगा तैयार। ये देखिए, पोहा हो चुका है तैयार और गन्नू आके खड़े हो गए हैं कि मुझे फटाफट से पोहा दो मम्मा, मुझे लगी है भूख। और वो अपने लिए अलग से चम्मच लेके आते हैं, उन्हें नहीं चाहिए जो मैं दूँगी, उन्हें अपने से ही लेके आना है। तो यहाँ अब हम पहले गन्नों को दे देंगे, फिर उसके बाद सबका निकाल के फिर सबको देंगे। तो चलिए फटाफट से पोहा निकालते हैं। और पोहे में आप ऊपर से, आपके पास अगर भुजिया नमकीन हो वो, या कोई भी नमकीन आपके पास हो वो डाल दीजिए, उसमें और टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। कैसा बनाया गन्नू? अच्छा बना। इतना अच्छा बना? बहुत अच्छा बना है, टेस्टी है। तो चलो तुम पोहा खाओ, तब तक हम सब बाकी सबको भी दे दें, चलो तुम खाओ। अब यहाँ सब नाश्ता कर चुका है, तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है। जा रहे हैं एलोवेरा लेने। अकेले इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि एलोवेरा का पेड़ कहाँ है, पौधा इसके साथ जा रही है।
और इसलिए हम लेके जा रहे हैं मुनमुन को। मुनमुन को खुद नहीं पता है। यार देखो इनको खुद नहीं पता, चलो बाहर चलेंगे खोज लिया जाएगा। दोनों पागल ही ये बिन रहते हुए नहीं जानती हैं, हम रह के भी नहीं जानते। बड़ा बवाल है। पहले एलोवेरा मुनमुन बता रही है कि पहले छत पे था, अब कहाँ है। अब देखिए सबको खोजना पड़ रहा है, पापा खोज चुके हैं। देखिए कितने कोने में एलोवेरा है, पकड़ो। देखा, कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि अपना ही लगाया हुआ पौधा नहीं पता चलता है, लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग दीदी से पूछते तो उसे पता होता। हम लोगों ने एलोवेरा ले आया है, अब हम पानी गर्म कर रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या पीने जा रहे हैं पोहा खाने के बाद। यहाँ 2 कप में गर्म पानी ले लिए हैं और 1 कप में कॉफ़ी डालेंगे, मतलब दोनों कप में 1 चम्मच कॉफ़ी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा नींबू डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा ड्रिंक हो जाएगा तैयार। तो अब इसे लेके चलते हैं रूम में और वहीं पर बैठ के इंजॉय करते हैं। बोलो दीदी, क्या बोल रही थी? तुम्हारे बनाए हुए पोहे से मुनमुन का जो मैगी की क्रेविंग थी ना, वो खत्म हो गई। मतलब मैगी की जगह पोहे ने ले ली, इतना स्पाइसी टेस्टी। अभी फिलहाल के लिए तो मैगी से तो बच्चे थोड़ी देर के लिए दूर हो गए। चाय वाय के जगह चीयर्स। चलिए इसको हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम लोग और क्या करने वाले हैं। हम लोगों की बनती हुई सेहत का राज, मतलब सेहत तो पहले से बनी हुई थी, सेहत सुधरने के राज, फिटनेस का राज है ये जादुई ड्रिंक। अब यहाँ पे हम लोग होम रेमेडी फेशियल करने वाले हैं, जो पूरी तरह से नेचुरल है, जिसे कोई भी आसानी से घर में कर सकता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग किस तरह से, और ये पूरी मतलब प्रॉपर वीडियो आपको आगे के कुछ दिनों में देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए, हम जब आते हैं तो दीदी को 1 बार या 2 बार तो अगर रह गए कुछ दिन तो 2 बार नहीं तो 1 बार ये फेशियल दीदी का करते हैं। तो इस बार हम लोग बोले कि नहीं, हर बार क्रीम वगैरह से करते हैं, तो इस बार हम बोले दीदी चलो इस बार कुछ होममेड बना के किया जाए। तो इस बार हम लोग दीदी का एलोवेरा फेशियल कर रहे हैं। पूरा इसमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर का नहीं है, सब घर में आपके आसानी से मिल जाएगा और इसकी प्रॉपर वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी आप फेशियल इंजॉय करिए और इसके बाद इसका क्या रिजल्ट है ये दीदी आपको खुद बताएगी। हमने सबसे ज़्यादा दीदी इंजॉय कर रही, काफ़ी टाइम बाद ऐसे रिलैक्स करने का मौका मिला है। और ये फेशियल ऐसा है कि आप 10 नॉर्मल केमिकल वाला जो फेशियल होता है वो 15 दिन में इंसान करता है ना, लेकिन ये होममेड है तो आप इसको 10 दिन में वापस से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है ना, सारा होम रेमेडी है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ तो है एलोवेरा, जो कि उसके जितने भी फायदे बताए जाए ना वो कम होगा। एलोवेरा के तो अनगिनत फायदे हैं। ये एलोवेरा आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो एलोवेरा किसी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचा, खाने पीने के लिए भी अच्छा है। हाँ, वही बात है। एलोवेरा का अचार भी बनता है, पता है? अचार बनता है, लड्डू बनता है। इतना रिलैक्स फील करता है, लगता है बॉडी इतना रिलैक्स होता है। और ये भी नहीं कि बस आप फेशियल है, फेस पे भी। और ये ऐसा फेशियल है कि कभी कभी क्या होता है, हाथ भी धूप की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसको आप आराम से अपने हाथ और पैर पे भी कर सकते हैं। आज पूरा पैम्पर किया जाएगा हमको, क्योंकि मेरे हाथ भी ना बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं। मुनमुन को हर दिन कोचिंग लेके जाना होता है 3:30 बजे धूप में, एकदम चुलचुलाती हुई गर्मी, जो धूप होता है ना जलने वाला उस टाइम पे, तो हाथ वाथ सब एकदम टैन हो चुका है। तो आज हमको पूरा एकदम ट्रीटमेंट मिलेगा पूजा के हाथ से। ये हमको लगता है 1 ही 2 बार ऐसा हुआ है कि हम आए हो और दीदी का ना किए हो, ताकि दीदी कुछ करती भी। हाँ, वैसे ये करती नहीं है, इसको हमेशा मतलब कि हम हो या मुनमुन हो, हमेशा ये कहते रहती कि यार तुम बड़ी बेवकूफ हो, तुमको आता सब है लेकिन तुम करती कुछ नहीं हो, खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता। ये नहीं है इसको टाइम मिल जा रहा है, ये करना नहीं चाहिए। हम लोग से पूछिए, मुनमुन से पूछिए, ये आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। जब आप इसका क्लींजर करना, और जब क्लींजर हल्का सा एब्जॉर्ब हो जाए फेस पे, तो हल्का सा ठंडा पानी लेके उससे भी
लिज्जा को तो जितना आराम से आप 3-4 मिनट तक कर सकते हैं आराम से करिए। जितनी फेस के डस्ट होते हैं सब आराम से निकल जाएंगे जो मशीन से। और घर का एलोवेरा रहता है जब इसे करो तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह ही जाता है, चाहे आप उसको मिक्सी में ब्लेंड करो या हाथ से करो या चम्मच से करो, वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रह। सबसे बड़ी बात एक हम बताते हैं आज की कहानी कि गार्डन के मालिक के अलावा किसी को नहीं पता था कि गार्डन में एलोवेरा लगा कहाँ है। और मेरे से कोई पूछने नहीं है, सब लोग ढूंढ रहे थे कि एलोवेरा है कहाँ है कहाँ। मतलब कि मुनमुन को हमको तो खैर पता नहीं था, हम मुनमुन को लेके गए कि चलो इसे तो पता होगा लेकिन उसे भी नहीं पता। मौसी आप मुझसे बोल रही हो मुझे तो और नहीं पता। तो हमने चलो अच्छा नाना है ना वहाँ, नाना से पूछ लिया जाएगा। नाना से कहे अच्छा रुको खोजना होगा, खोजते हैं कहाँ। मालिक से पूछती तो मालिक बताता। फिर खोज के बताया गया कि एलोवेरा है, एलोवेरा। गार्डन के हर कोने की अगर जानकारी लेनी है तो मेरे संपर्क करें। हम लोग बोले ये बैठे तो फिर बाहर ही जावे तो उधर ही पापा है तो उन्हीं से पूछ लेंगे, इसको क्या पूछेंगे ये फिर बताएगी इधर उधर पता चलेगा, हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा तो ये भी दिक्कत। तो हमने पापा बाहर है पापा से ही पूछ लेंगे, ये तो हो जाता है। क्लिनजिंग हो जाए तो अच्छा सा कोई टॉवेल लीजिए, एकदम सॉफ्ट कपड़ा टॉवेल रुमाल जो आपको लेना है उसे। अगर धोने कोई उठ सकता है तो अच्छी बात है, अगर धोने नहीं उठता है तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए उसको, थोड़ा सा टॉवेल फेशियल कराने के लिए। जब एक बार कोई लेटता है ना फिर उठना कोई नहीं चाहता, सोता आधा मतलब पौना घंटा एक घंटा आराम से लेटने को ही मिले, कोई नहीं उठने वाला। तो बहन आप टॉवेल का ही इस्तेमाल करिए। तो फिर हम इसी से ही कर रहे हैं। अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हो तो टॉवेल लेके नहीं आए हैं, हाँ मुँह धो के आओ तब करेंगे। मेरे जैसे लोग होंगे तो करेंगे ऐसा भैया को नहीं कराना है। सच्ची में अभी निखार आ गया रिया जी पूजा तब। और हाँ देखिए देख के समझ सकते हैं मेरे चेहरे को और मेरे हाथों को, ऐसा लग रहा है इस पे किसी ने आटा पोत दिया हो, इतना वाइट हो गया है। और ये काला मम्मी लग रहा है ना, चमक आ गया ना। बहन ये तुम मेरे फेस पे रोज कर देना, यही तुमको एकदम कहना पड़ेगा कि हम रोज करेंगे। ठीक है पक्का ना है, तब तक करेंगे बना। अगर ये एक दिन भी नहीं की ना तो हम इसी ब्लॉग में आगे बताएंगे इसके चैनल पे। बेइज्जती हो और बेइज्जती कि मेरा ये मिस कर दी है, क्योंकि देखो फर्क दिख रहा है यार अभी से ही। आप लोग हम अभी से रेकमेंड करते हैं कि इस फेशियल को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लिनजिंग से काफ़ी फर्क दिख रहा है। मेरे हाथ को देखिए और मेरे फेस को देखिए, आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बातें करी जाए बंद और काम शुरू किया जाए। और आप लोग को एक बात और बता दें, ये फेशियल के बाद होम मेड फेस सीरम भी बना के रखिए। अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो क्रीम की जगह पहले आप होम मेड सीरम अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लो, और चाहो तो रात भर भी उसे छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप ठंडे पानी से धोके भी मॉइस्चराइजर लगाओ। वैसे तो मेरी स्किन सॉफ्ट बहुत है लेकिन अभी बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन भी हो गई है। थैंक यू थैंक यू। घर के चीजों की बात ही कुछ और रहती है, घर के सामान से जो बनाओ उसका तो एक अलग ही होता है, क्योंकि मार्केट वाला क्या होता है कि उसमें केमिकल है, कुछ सूट कर रहा है आपको कुछ सूट नहीं कर रहा है। हाँ इसमें एक चीज है जो जरूरी नहीं है कि सबको सूट करे, वो है नींबू, क्योंकि किसी किसी का फेस ऐसा होता है जिसको नींबू सूट नहीं करता। नींबू भी और हल्दी भी, हल्दी भी कई लोगों को नहीं मतलब। तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे जब इसका प्रॉपर ब्लॉग वीडियो डालेंगे। फेशियल इंजॉय कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे। समझे? और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और साथ में नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, घंटी टिन टिन टिन। तो चलिए अपना फट से करते हैं, तो बात ही ये तो कर ही नहीं रही है। इसमें स्क्रब में थोड़ा शहद है तो आपका हाथ थोड़ा ड्राई हो तो आप क्या करिए हल्का सा ठंडा पानी ले लीजिए, उससे फिर आपका वैसे ही हो जाएगा स्क्रब।
क्योंकि देखिए अब केमिकल तो है नहीं, अब घर का चीज है तो उसको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना किसी ना किसी। बट ये बेस्ट है, होम रेमेडी बेस्ट है। स्क्रबिंग हो चुकी है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद मसाज। आपको ना एक एक चीज करके दिखाते हैं कि इसके फेस पे क्रीम उठेगी और अभी आपको फिर दिखाएगी कि कैसा लगता है। अरे यार ये तो माथा का बोरा हो गया सफेद सफेद। हाँ काफी फर्क खुद ही समझ में आ रहा है भाई, व्यूअर्स को भी देख के समझ में आ जाएगा कि फर्क क्या है। यहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे देखिए फर्क है ना। अभी इसको आटे के बुढ़िया में से आराम से निकाल के लेके आ रहे हैं। चमक गया मेरा अपने आप का निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell. अब दीदी आटे के बुढ़िया में से हो जाएगी हल्दी के बुढ़िया में से निकलोगे। किचन के हर डिब्बे में से हम निकलेंगे। मसाला छोड़, बाकी सब डिब्बे में से निकल जाएगी। कॉफी, हल्दी, एलोवेरा, शहद, चीनी, नारियल का तेल, फेस मसाज करने के बाद इसे हम फिर से एक बार टॉवल गीला करके छोटा सा उससे अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। और इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम लगाएंगे फेस पैक। और फेस पैक आप बहुत ही पतली लेयर मत लगाइएगा, थोड़ी थिक लेयर लगाइएगा, थोड़ी मोटी लेयर रहे ताकि फिर। और हाँ एक बात और, फेस पैक लगाते टाइम पहले आप फेस पे लगाने के बाद इसे 2 मिनट मसाज दीजिए, उसके बाद अपने स्किन पे थोड़ी सी मोटी लेयर इसकी लगा के छोड़ दीजिए। और जब तक फेस पैक आपका अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप कोशिश करिए बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि अगर आप फेस पैक लगाने के बाद अगर आप बोलते हो तो जैसे जैसे आपका फेस पैक सूखता है वैसे वैसे वो लाइनिंग फेस पे बनने लगती है। तो जब तक आपका फेस पैक अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिए। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं फेस पैक। फेस पैक लग चुका है, अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा मसाज देंगे। अगर मसाज आपको देना है तो आप किससे देंगे, चाहो तो नॉर्मल पानी से भी दे सकते हैं और चाहो तो थोड़ा सा गुलाब जल ले लो। तो यहाँ हम लेंगे गुलाब जल। देखिए इधर मुनमुन आ गई है, मुनमुन देख के खूब हंस रही है। यहाँ इधर आओ, आप बताओ कि अभी तुम क्या कर रही थी। अभी गन्नों को हम पढ़ा रहे थे। क्या क्या पढ़ाए? उसको हम पढ़ाए हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन मैथ में, फिर इंग्लिश हिंदी का रीडिंग और मैथ। मैं एकदम हल्के हाथ से आराम से पूछी और बहुत खुजुरे कपड़े से तो बिल्कुल भी सॉफ्ट कपड़े से अपने स्किन को पूछी कि आपका स्किन बहुत डैमेज हो जाए। पता है ये क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है कि मम्मा सिर्फ तुम पढ़ाओ ना, अब से तुम ही हमको पढ़ाना। और जीजे से ज्यादा तो बोलती है मम्मा। मम्मा जानते हो कि तुम्हारी ये गलती पे तुमको 10 बार। अच्छा मम्मी का तो सुन दूंगा। जीजे का नहीं सुनूंगा। मम्मी का सुन लेंगे क्योंकि जाता है और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जीजे का नहीं सुनूंगा।
फेशियल हो चुका है कंप्लीट। अब ये ग्लो आपको एक दिन बाद पता चलेगा, ये हम लोगों ने रात में किया है, तो आपको इसका रियल ग्लो जो है वो कल मॉर्निंग में हम दिखाएंगे। तो चलिए अब दीदी जा रही है नहाने, नहा के आती है तो इसके फेस पे हम लोग लगाते हैं सीरम। और सीरम कैसे लगाना क्या करना है वो हम नहा के आती है, जब लगाएंगे तब बताते हैं। सीरम लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। और जब भी आप सीरम लगा रहे हैं तो सीरम की क्वांटिटी 2 से 3 बूंद या 4 बूंद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करिए और 2 मिनट मसाज दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं वो मेड रेमेडी का क्या ग्लो आया है, मतलब उसका रिजल्ट कैसा आया है। तो ये देखिए, ये है रिजल्ट। और फेस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इस फेशियल का आपके फेस पे क्या ग्लो आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को ये फेशियल पसंद आया है तो इसका प्रॉपर वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पे, तो इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।